हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा, जीएस फॉर कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकल के लिए वोकल। अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया उसमें लोकल के लिए वोकल पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। आखिर ये लोकल के लिए वोकल है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, वहीं इस आर्थिक पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। ये पैकेज देश की कुल जीडीपी का 10% है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा में नई गति प्रदान करेगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सबसे ज़्यादा फोकस लोकल के लिए वोकल बनना है पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, अर्थात हमें लोकल वस्तुओं की खरीदारी और उसके बनाने पर सबसे ज़्यादा फोकस मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिया है। यहाँ पर इनका मानना है कि संकट के समय में लोकल ही हमारी मांगों को पूरा कर रहे हैं, हमें लोकल ने ही बचाया है और लोकल हमारी जरूरत ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मिस्टर नरेंद्र मोदी का मानना है। और ये बहुत हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करना है तो हमें लोकल गुड्स एंड सर्विस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है। और लोकल से ही प्रोडक्ट ग्लोबल बना है। कोई भी प्रोडक्ट हो पहले उसे लोकल के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्वालिटी बढ़ती है तो वह ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरता है। अतः कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लोकल के लिए वोकल पर फोकस किया गया, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा, कन्फर्म। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने हर देशवासी के लिए ये बताया है कि लोकल के लिए वोकल बनना ही पड़ेगा इस कोरोना संकट के बीच, तभी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया था ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपने फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।